भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थल मथुरा के वृंदावन में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यकीनन बांके बिहारी के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। भगवान बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1862 में हुआ था, जिसके बाद से ही देश विदेश से लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु यहां आकर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। वृंदावन की गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। आइए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर का आखिर क्या है इतिहास और बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए थे और उनके जन्म से जुड़ी कुछ अहम बातें। भगवान बांके बिहारी की स्थापना उनके अनन्य भक्त स्वामी हरिदास ने की थी। उनको तारसेन का गुरु कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान बांके बिहारी लता पता से निधिवन में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रास लीला करते हैं। भगवान बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1862 में हुआ था। कहा जाता है कि भगवान बांके बिहारी को जो भी भक्त एक टक नजरें लगाकर देख लेता है वो उनका बनकर रह जाता है। इसलिए भगवान की प्रतिमा के सामने हर 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है। मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहा जाता है कि श्री हरिदास की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी वृंदावन के निधिवन में प्रकट हुए थे। बांके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है। इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है, इसलिए बांके बिहारी जी की आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी को ही होती है। इस दिन उनके दर्शन को बहुत विशेष माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लगभग 5000 साल पहले भगवान विष्णु के 8वें अवतार का जन्म हुआ था, जो जल्द ही सबसे महत्वपूर्ण हिंदू देवी देवताओं में से एक के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे। स्वभाव से तेज तर्रार और प्रश्नचित्त ये कुख्यात देवत्व भक्तों के बीच पसंदीदा बन गया, जो वयस्क और बचपन दोनों रूपों में उनकी पूजा करते हैं। उनका जन्मदिन हर साल पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। लोग उपवास करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और भगवान को चढ़ाने के लिए व्यंजन तैयार करते हैं। जन्माष्टमी दो शब्दों से मिलकर बना है, जन्म और अष्टमी यानी 8। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये त्योहार भाद्रपद यानी अगस्त सितंबर के महीने में कृष्ण पक्ष अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन यानी अष्टमी को मनाया जाता है। ये त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। हालांकि भारत में 2 जगह ऐसी हैं जहां ये त्योहार बेजोड़ उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है, वे है मथुरा और वृंदावन। पहला भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, जबकि दूसरा वो स्थान है जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। इन स्थानों पर होने वाले उत्सव अनोखे होते हैं। दुनिया भर से लोग अनुष्ठानों और कार्यक्रमों को देखने और उत्सव में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। अधिकांश भक्त दिन भर वृंदावन में कार्यक्रमों और उत्सवों को देखने में बिताते हैं और शाम को भगवान के जन्म का जश्न मनाने के लिए मथुरा आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ने वाली 2023 में जन्माष्टमी गुरुवार 7 सितंबर को पड़ रही है। वृंदावन का पवित्र शहर वो स्थान है जहां कृष्ण ने अपना बचपन और किशोरा अवस्था बताई। यमुना नदी के तट पर स्थित वृंदावन वो स्थान है जहाँ कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ प्रसिद्ध रास लीलाएं की।
वृंदावन में जन्म के दिन से 10 दिन पहले उत्सव शुरू हो जाता है। कृष्ण के जीवन पर रास लीलाएं और नाटक और यहां तक कि महाकाव्य महाभारत के दृश्य भी, जिनमें भगवान कृष्ण एक अनिवार्य हिस्सा थे, पेशेवर कलाकारों के द्वारा जन्माष्टमी के मौके पर प्रस्तुत किए जाते हैं। ये नाटक बड़ी संख्या में पर्यटकों को वृंदावन की ओर आकर्षित करते हैं। वृंदावन में 4000 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें से बांके बिहारी मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, राधा रमण मंदिर कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जहां लोग अपने समारोहों और अनुष्ठानिक कार्यक्रमों के लिए आते हैं, जो पूरे दिन होते हैं। विशेष रूप से अभिषेक, जो समारोह शुरू होने के पहले भगवान कृष्ण का भव्य अनुष्ठानिक स्नान है। माना जाता है कि मधुवन यमुना नदी के पास का क्षेत्र है, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिय गोपियों के साथ रासलीलाएं की थी 5000 साल पहले। स्थानीय लोक कथाओं का कहना है कि आज तक भी भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करने के लिए इस स्थान पर अवतरित होते हैं, इसलिए कोई भी स्थानीय लोग शाम ढलने के बाद इस क्षेत्र में कदम नहीं रखते। हालांकि मधुवन को जन्माष्टमी के दौरान उज्ज्वल रोशनी से सजाया जाता है, क्योंकि यहां रासलीलाएं और नाटक किए जाते हैं, लेकिन केवल दिन के समय। अधिकांश भक्त और पर्यटक मथुरा जाने से पहले प्रसिद्ध प्रदर्शन देखने के लिए मधुबन आते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले जन्माष्टमी त्योहार के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू झूलनोत्सव और घटा है। झूलनोत्सव वो अनुष्ठान है जिसमें लोग अपने घर में भगवान कृष्ण का स्वागत करने और शिशु कृष्ण के पालने का प्रतीक करने के लिए अपने घरों और मंदिरों के आंगन में झूले लगाते हैं और फूलों और रंगोलियों से सजाते हैं। घाट मथुरा में उत्सव की एक और अनूठी विशेषता है, जहां शहर के सभी मंदिरों को चुने हुए थीम के रंग से सजाया जाता है, जिसमें मूर्ति कृष्ण के कपड़े भी शामिल हैं। वो पूरे एक महीने तक इस परंपरा का पालन करते हैं और इसके बिना त्योहार का जश्न पूरा नहीं होता। जन्मदिवस के पहले के दिन में रासलीलाएं विभिन्न समूहों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, विशेष रूप से 10 से 13 साल के बच्चों के द्वारा। इसके अलावा जानकी भी बनाई जाती हैं, जो मिट्टी से बनी आकृतियां हैं, जिनमें कृष्ण के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाने वाले दृश्य पूरे मथुरा शहर में प्रदर्शित किए जाते हैं। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए उत्सव उस समय तक मनाया जाता है, जिसके बाद मंदिरों में विभिन्न पूजाएं और अनुष्ठान होते हैं। हालांकि मुख्य कार्यक्रम कृष्ण के जन्म के वास्तविक स्थान पर आयोजित किया जाता है, जो अब एक बड़े कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में परिवर्तित हो गया है। मूर्ति को गर्भगृह नामक एक कमरे में रखा जाता है, उसे दूध और दही से स्नान कराया जाता है, पारंपरिक कपड़े पहनाए जाते हैं और पालनी में रखा जाता है, फिर पालनी को झुलाया जाता है, जबकि भक्त प्रार्थना करते हैं और भजन गाते हैं। लोक मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन पालना झुलाते समय की गई कोई भी मनोकामना पूरी होती है। जैसे ही भक्त भगवान का स्वागत करते हैं, भगवान को पंचामृत और 56 भोग अर्पित किया जाता है, जिनमें 56 व्यंजन रहते हैं, फिर इसे उन भक्तों के बीच वितरित किया जाता है जो इससे अपना उपवास तोड़ते हैं। हर साल 8 लाख से अधिक भक्त जन्माष्टमी उत्सव में भाग लेने और प्रार्थना करने और भगवान कृष्ण के जन्म के भव्य उत्सव को देखने के लिए मथुरा और वृंदावन आते हैं। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।